तो जो भोलेनाथ है, योगीनाथ विष्णु है, सब कह रहा है बाबा कि हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं योगी जी। नहीं, 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 नहीं लड़ा नहीं रहे। नशा केकड़ो बाप नहीं, मामू भैया दादा दादी नहीं, वो तुमको खाता है, तुम उसको नहीं खाता। दो नेता जी जो है हमारे इस भारत का शेर पैदा हुआ है। कौन कौन ऐसा देश पूरा देश में पैदा हो जाए तो हर देश का हिंदू लोग जो है ना खा के खाएगा। एक पहला मोदीलाल, दूसरा योगीलाल। हमारा देश रिपब्लिक डे मना रहा है और रिपब्लिक डे के संध्या यानी कि रिपब्लिक डे सुबह मना लिया गया है और संध्या लगभग अभी 8 के आसपास बज रहे हैं। और हमारे साथ में एक बाबा हैं जो झंडा लिए हुए, देख सकते हैं इनके हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और यहाँ पर शहीद चौक है, कारगिल चौक है, पटना का कारगिल चौक, और ये कारगिल चौक पूरा सज धज के तैयार है। आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ बाबा है। बाबा क्या कहेंगे हमारे देश के बारे में, कुछ बताइए आप अपना अनुभव। हम तो यही बताएंगे भैया कि अपने ही अपने मन को बदलता चलो, सूरज के लाली देखता चलो। अपने ही अपने मन को देखता चलो, सूरज की लाली को देखता चलो। हर घर घर में अपना मन को विचार में रखो बदल बदल के। रिश्तेदारी तो करना है लेकिन समाज में जो है मुख में मुख मिलाया हुआ है, मन में राज छुपाया हुआ है। किसको बर्बाद कर देगा कोई नहीं बता सकता, किसको आबाद कर देगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? हाँ, इसलिए किसी को IAS बनाता है समाज, किसी के SI बनाता है समाज, किसी का साधु पागला भिखारी समाज बनाता है, नेता भी समाज बनाता है। भक्ति लाइन में भक्ति करना। अच्छा, आप हमारे देश की आजादी के बारे में बताइए कि अभी हमारा देश में संविधान लागू है, अभी हम लोग कहाँ तक है, हमारा समाज कितना विकसित हो पाया है? हमारे एक मिनट, हमारा भारत में देखो दो नेता जी जो है हमारे इस भारत का शेर पैदा हुआ है। कौन कौन ऐसा देश पूरा देश में पैदा हो जाए तो हर देश का हिंदू लोग जो है ना खा के खाएगा। एक पहला मोदीलाल, दूसरा योगीलाल। मोदी योगी क्यों? हाँ, इसलिए ये दोनों पार्टी जो है शेर पैदा है। शेर पैदा है? हाँ, देश के लिए, देश बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए, हर चीज के लिए बरकत करता है। किसी को गलत करने के निर्णय नहीं लेता। तो सब कह रहा है, सुनिए बाबा, सब कह रहा है कि मोदी जी योगी जी खाली हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, समाज के लेकर चलते हैं। समाज के लेके चलते हैं, समाज के बाहर उल्टा है बाबा, इसको सुधार कीजिए आप। नहीं उल्टा है, नहीं, आपको नहीं पता है। अरे नहीं उल्टा है, अब हुआ सीधा। बोलिए, अब बोलिए। इसलिए ये आदमी है ना, ये सोचो भोलेनाथ है, योगीनाथ विष्णु है, मोदीलाल। सब कह रहा है बाबा कि हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं योगी जी और मोदी जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं लड़ा नहीं रहे। कोई भी शिकायत करता है प्रजा, प्रजा ने शिकायत करता है SI के पास, IAS के पास, लॉयर के पास, जज के पास, प्रजा के पास। प्रजा प्रजा नहीं करता है कि IAS करता है शिकायत किसी को, या कि SI करता है, या IAS करता है, कि नेता मंत्री करता है। प्रजा गलत है, प्रजा को रास्ता नहीं दिखता है। जिस दिन प्रजा दिख लेगा सब अपने आप को कि नहीं सब हमारे तरह है, तो कोई किसी को दुश्मन उलझन बन के नहीं बैठेगा। चलिए, तो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश में उत्सव का माहौल है, और हम ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करेंगे क्योंकि देश में गणतंत्र दिवस सर्वोपरि है और आज के दिन संविधान लागू हुआ था और हमारा देश जो है यूं कहें कि एक बेहतर लोकतंत्र की व्यवस्था की ओर बढ़ी थी। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अहंकार अपने अपने मन में से निकाल के फेंक दे तो ये देश में हिंदू मुस्लिम खाएगा, देश का राजा बन के बैठ के खाएगा। यानी कि देश में, हमारे देश में कुछ लोग अहंकारी लोग हैं ना। हाँ, इसी अहंकारी के वजह से हम लोग मर रहे हैं। तो हमारे देशवासियों को जो लोग हैं, कुछ लोग अहंकारी लोग, वो अपने अहंकार निकाल लें तभी इस देश की तरक्की होगी। हाँ क्या बाबा? हाँ, कहा गया है शेखर ताप
वही सबका बाप ऐसे करता पे नहीं तो बाप कैसे होई। सूरज सबका बाप है। अब चाहते बाबा कि हिंदू को भी वही ताप देता है, मुसलमान को भी वही ताप देता है। अन्न पानी में बदला है तो बदले, पानी में बदला है, संपत्ति में बदला है। अरे तुम घर में भी नहीं बदला है, खाली मन में बदला है। मन का विचार बदल ले, अपने आप सही सही हो, खाट पीते रहेगा। लड़ना छोड़ दे, बचना सीखने शुरू कर दे। नशा केकड़ो बाप नहीं, मामू भैया दादा दादी नहीं, वो तुमको खाता है, तुम उसको नहीं खाता। अच्छा बाबा, आप चाहते हैं कि देश में जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है वो सब खत्म हो जाए? खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? बदलेगा अपने मन का अहंकार तो खत्म होगा। चलिए अपने मन के अहंकार बदलिए तो हमारे देश में जो धार्मिक जो नफरत है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी।